पत्रकार के उत्पीड़न के मामले में हापुड़ के सभी पत्रकार न्यायपाल संगठन एक मंच पर आ गए हैं। शुक्रवार को आयोजित पत्रकारों की बैठक में पत्रकारों पर दिन प्रतिदिन बढ़ते उत्पीड़न पर एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। बैठक में पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ बड़े आंदोलन की रणनीति बनाने का फैसला लिया गया, जिसके लिए कार्यक्रम का आयोजन गढ़ रोड कविनगर कॉलोनी स्थित डॉक्टर नरेंद्र केन के नवनिर्माण अस्पताल प्रांगण में हुआ। इस मासिक बैठक में पत्रकारिता व पत्रकारों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई है, जिसको लेकर बैठक की अध्यक्षता रुष्टम सिंह व संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र गौतम ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेंद्र केन, विशेष अतिथि सोमति केन व अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य कुंवर नाजिम अली मौजूद रहे। डॉक्टर नरेंद्र केन ने पत्रकारों के बीच अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पत्रकार की पहचान उसके धर्म से ज्यादा उसके काम से होती है। पत्रकारों को काम से रोकना अनैतिक है। पत्रकार की कोई सीमा नहीं होती, ये उनका अधिकार है कि वह खबर को लिखे। अपनी इसी निष्पक्षता व निर्भयता के चलते वे देश के चौथे स्तंभ में गिने जाते हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र गौतम ने कहा कि आने वाले दिन बहुत खराब है, ये देश की धर्म निरपेक्षता को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हमने गंगा और जमुना का पानी पिया है। देश की गंगा जमुना तहजीब है, अब चुपचाप रहने का समय नहीं है, खुलकर मैदान में उतरने का समय है। आईपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सागर व आईपा राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कर्मठ और जुझारू रहकर पत्रकारिता करने के दिशा निर्देश दिए और जरूरत पड़ने पर सभी को एकत्र रहने का आह्वान किया। आखिर में अतिथियों को प्रस्तुति पत्र प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा वहां मौजूद समस्त पत्रकार बंधु को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया फर्स्ट। आज जो आपकी आईपा की मीटिंग हो रही है, पत्रकारों के लिए आपका संगठन क्या क्या कार्य कर रहा है? देखिए, मेरा नाम भूपेंद्र सागर है और मैं जनपद हापुड़ से जिलाध्यक्ष हूँ। इंडियन प्रेस एलिमेंस जो पत्रकारों का संगठन है, आईपा जो पत्रकारों का संगठन है, आज मासिक पंचायत हुई है, हमारी बैठक हुई है। हमारी जो मासिक हमारी बैठक है वो 15 तारीख में होती थी, हर माह की 15 तारीख में होती थी। मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहा है, शुरू से ही हमारा संगठन पत्रकारों की लड़ाई लड़ता रहा है, पत्रकारों को सपोर्ट करता रहा है। अगर पत्रकारों को कहीं कोई समस्या हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो पत्रकारों के सपोर्ट में हमारा संगठन खड़ा रहता है। आए दिन पत्रकारों के साथ अगर घटना भी कहीं ना कहीं हो जाती है, तो हमारा संगठन सबसे पहले सामने आकर पत्रकारों के हित में खड़ा होता है। अगर पत्रकार सही है और अपनी जगह ठीक है, तो पत्रकारों के लिए हमारा संगठन हमेशा खड़ा रहेगा और खड़ा रहता है। और जहाँ तक कि आज मीटिंग की बात है, कुछ पत्रकारों की समस्याएं भी थी जिनका निस्तारण भी किया गया है, और आगे को जो भी हमारी मासिक पंचायत होंगी या कहीं अगर पत्रकारों का शोषण होगा, तो हमारा पत्रकार संगठन हमेशा आप सब लोग पत्रकारों के साथ खड़ा रहेगा।